सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे तुषार पसंद में। तो देखिए गाइस, आज जो है मैं आपको मल्टीमीटर किस तरह से के यूज़ करना है आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका मल्टीमीटर जो है बहुत दिनों तक लंबे समय तक अच्छे से चले। तो चलिए इसका कुछ टेस्ट कर लेंगे। ये मेरे पास जो है फ्रेंड्स से लोकल वाला 150-250 मिलने वाला वही वाला मल्टीमीटर है। आप मैकेनिक का काम करते हो तो ये मल्टीमीटर रहना आपके पास ज़रूरी है, तभी आप जो है अच्छे से काम कर सकेंगे। कंप्लेंट एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज इन सब को टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर का ज़रूरत होगा। तो देखिएगा इस यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये डीसी का है और ये वाला एसी का है। तो ये आपको बैटरी वगैरह चेक करना है तो इधर के साइड में लगाइए 20 वोल्ट के आसपास, जितना भी जो कुछ भी बैटरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा। और 20 से ज़्यादा वोल्टेज अगर चेक करना है तो आप 200 की रेंज पे लगाइए और चेक कीजिए, और उससे भी ज़्यादा है तो आप 1000 वोल्ट पे लगाइए मल्टीमीटर को और आप वोल्टेज चेक कीजिए। और ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका है, और इस साइड वाला जो है हमारा एसी का है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको 750 की रेंज पर आपको चेक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको जो है मैं अपना सीरीज बोर्ड से जो है एसी सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट उसे चेक करता हूँ। तो आप वैसे लगाना है मीटर के दोनों को इस तरह से रखना है, और रखने के बाद जो है आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो मैं इसे चालू कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो है बोर्ड में लाइन दे दिया हूँ होल्डर में। तो देखिए मेरा यहाँ पास एसी वोल्टेज 225-26 के पास आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है तो मीटर को डीसी के रेंज पे लगाइए 200 की रेंज पे, या 20 वोल्ट के रेंज पे, या 1000 रेंज। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास जो है अभी एक बैटरी है तो आपको उसे दिखाता हूँ, जो कि 12 वोल्ट का है, बाइक की बैटरी है मेरे पास, आपको लाग दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो है बैटरी अपना लेके आ चुका हूँ, जो कि 12 वोल्ट का है बाइक का बैटरी। तो चलिए इसे जो है टेस्ट करते हैं इसमें कितना वोल्ट है। इसका माइनस वाला पॉइंट ए है और इसका प्लस वाला पॉइंट ए है। तो इसका माइनस वाला रेड कलर का है, इसका ब्लैक कलर का इसका माइनस है और रेड कलर का प्लस है। तो इसे चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसमें कितना वोल्टेज है बैटरी में। तो देखिए फ्रेंड्स, 2.5 वोल्ट के आसपास दिख रहा है इसमें वोल्टेज। तो इस तरीके से आप जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे पास से और बैटरी है, उससे भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जो कि छोटा वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इसका माइनस वाला माइनस और प्लस वाला प्लस देख के जो है आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। इसमें भी 1.5 वोल्ट के आसपास है फ्रेंड्स, इसमें 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, इसमें 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से आपको अगर समझ ना आए तो आपको मैं सीधा ही दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। मल्टीमीटर को 1000 के रेंज पे सेट कर दीजिए। आप नए मैकेनिक हैं, आप अभी अभी सीख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको 1000 के रेंज पे लगाना है और प्लस वाला प्लस में माइनस वाला माइनस में देख के आपको ऐसे रखना है। और इसमें देखिए एक लिखा रहा है तो इसका मतलब ये 1% है इसमें चार्ज। अगर 2 लिखाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर 2%
इस बैटरी को आज मैं आपको दोबारा से ला के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बैटरी को मैं ले आया और अब इसमें चेक करेंगे। इसमें भी एक वोल्ट दिखा रहा है, दो वोल्ट दिखा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर दो लिखा है तो इसका मतलब समझिए कि इस बैटरी में अभी 2% चार्ज हुआ है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है फ्रेंड्स, और ये जो है अभी डिस्चार्ज है, इसे चार्ज करके नहीं रखा हूँ। ये 12 वोल्ट का बाइक का बैटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से जो है एसी और डीसी का मतलब आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। इधर का साइड यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको दिख रहा है, ये डीसी का रेंज है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये एसी का रेंज है, और ये वाला जो है ये बजर बीप साउंड का है। तो इसका ज़्यादातर वोल्टेज, मतलब इसका ज़्यादातर काम जो है बजर का होता है। देखिए यहाँ पास लगाने पर जो है मेरा बजर साउंड कर रहा है, बीप साउंड, ठीक है फ्रेंड्स। और अब यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंट का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 ओम, 2000 ओम, 20 के, 200 के, 2000 के तक का रेजिस्टेंट आप जो है यहाँ पास चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला दिख रहा है एरिया, ये वाला जो है ये एम्पियर का है, तो आपको दिखा देता हूँ एम्पियर कैसे चेक किया जाता है। तो प्लस वाला वायर को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो है इसको इस वाले जगह पे सेट कर दीजिए, और ये जो है अब आपका बैटरी जो है एम्पियर चेक करने के लिए है। तो आपको फिर से मैं अपना वही बैटरी दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है हम इसमें एम्पियर चेक करेंगे, इस बैटरी का कितने एम्पियर का है। तो अभी डिस्चार्ज है तो इसका एम्पियर थोड़ा कम ही आएगा फ्रेंड्स, फिर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास तो एम्पियर नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा बैटरी अभी जो है डाउन है। तो आपको दूसरी बैटरी दिखाता हूँ ला के। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है एक चार्जर है, और इस चार्जर के एम्पियर चेक करके आपको दिखाता हूँ। चार्जर जो है कितने एम्पियर है, देखिए फ्रेंड्स 4.1 समथिंग दिखा रहा है। इसका मतलब है ये चार्जर जो है आधा एम्पियर का है, एक एम्पियर का आधा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो है आप एम्पियर भी इसमें चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद जो है आप इस वायर को निकाल के फिर से इसी जगह पे जो है लगा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही बस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।